चलिए गाइस यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आपका जो डायलर है इस पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, रीसेंट, कॉन्टैक्ट। बट क्या करना है आपको, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके सामने ब्लॉक नंबर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी नंबर को ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ से आगे आप किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन, ठीक है, इसको अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके पास जितने भी फेक कॉल वगैरह हैं वो आपको पता चल जाएगी। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो रिकॉर्डिंग्स कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी सारी रिकॉर्ड कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं। ओके, कॉल रिकॉर्डिंग के लिए इसको आप इनेबल कर पाएंगे इसी तरीके से और आपकी कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर हम टैप करते हैं और यहाँ पे हम चलिए देखिएगा आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये है वाइब्रेट वैन आंसर्ड, अगर आप अपनी कॉल को आंसर करेंगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। दूसरा है वाइब्रेट वैन कॉल एंड्स, इन दोनों को इस्तेमाल कर लेंगे, जब कॉल को आंसर करेंगे तब भी वाइब्रेट होगा और कॉल को कट करेंगे तभी भी वाइब्रेट होगा। ओके, प्लो टेन जो है प्ले टून वैन कॉल कनेक्टेड, आपको एक टून प्ले होगी जब आपका कॉल कनेक्टेड होगा। दूसरा है प्ले टून वैन कॉल एंड्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे नोटिफाई ड्यूरिंग कॉल्स, अलाउ अलार्म एंड नोटिफिकेशन टू साउंड ड्यूरिंग कॉल्स। ये बोल रहे हैं कि आप किसी कॉल पे बात कर रहे हैं तो उस टाइम आपका अलार्म है, अगर वो बजता है तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, दूसरा आपको कोई नोटिफिकेशन आती है तभी भी आपका फ़ोन साउंड करेगा। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्लियरली आपको इसने यहाँ पे बता के रखा है। यहाँ पे आप अपनी फ़ोन के अंदर रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वाइब्रेशन पैटर्न है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो वाइब्रेट व्हील रिंगिंग, ठीक है, इसके बाद प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। चलिए गाइस, ये तो बेसिक थी, नॉर्मल सेटिंग्स थी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी कुछ फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लेने हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको आंसर ऑटोमेटिकली अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर इनकमिंग कॉल्स कोई भी आती है आफ्टर 2 सेकंड व्हेन ए हैंडसेट और ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड, आपका फ़ोन किसी डिवाइस से कनेक्ट है चाहे वो ब्लूटूथ हो या फिर कोई हेडफोन से कनेक्ट है, तो 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये फीचर आप ज़रूर से याद रखें। दूसरा है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, अगर आप इसको इनेबल रखें, आपके पास कोई कॉल आती है तो आपको ये वाला बटन दबा देना है, वॉल्यूम प्लस वाला। ठीक है गाइस, और आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। दूसरा है प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपको पावर बटन दबा देना है, आपकी कॉल कट हो जाएगी। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, क्विक डिक्लाइन मैसेज का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्विक डिक्लाइन मैसेज क्या होता है, आपके पास एक इनकमिंग कॉल आती है, आप उसको उठाना नहीं चाहते, उसको काटना चाहते हैं, तो वहीं पे आपको क्विक डिक्लाइन मैसेज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि बोलेगा आपको यहाँ पे एक मैसेज सेंड करने के लिए। तो दूसरा मैसेज है यहाँ पे, पहला मैसेज है प्लीज़ टेक्स्ट मी, अगर आप इसको भेजना चाहें तो इसको भेज सकते हैं, वो बंदा आपको टेक्स्ट कर लेगा। फिर यू कैन कॉल बैक लेटर, आप ये वाला भेज सकते हैं, आई विल कॉल यू बैक लेटर, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चाहें तो आप गाइस यहाँ पे एक नया मैसेज भी टाइप करके सेट करके रख सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं क्विक डिक्लाइन मैसेज। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया आपको ये सब। ओके, आई होप कि गाइस अभी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा गाइस, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो जो सप्लीमेंट्री सर्विस हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी आपकी, जैसे कि कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इजी तरीके से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है, आप यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले आपको हल्का दिख रहा होगा। ओके, आप दिख रहा होगा पूरा, तो यहाँ पे कॉल फॉरवर्ड और ठीक है कॉल वेटिंग, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है गाइस, आई होप कि आप इसको क्लियरली देख पा रहे होगे। तो कॉल फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से आप कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं क्योंकि हमको कॉल फॉरवर्ड नहीं करनी। यहाँ पे आपको अदर कॉल सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको अदर कॉल सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। ओके गाइस, जो कि यहाँ पे